नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिस्टेक न्यूज में। दोस्तों, आज फिर हम एक टॉपिक को लेके आपके साथ बात करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है अडानी और हिंडनबर्ग को लेके। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ को आपने काफ़ी बार सुना होगा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट अपनी दी और एक रिसर्च रिपोर्ट अपनी पेश करी, 24 जनवरी को पब्लिश करी थी। और उसके बाद अडानी कंपनी, जो ग्रुप ऑफ अडानी कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद कई तरह के एलिगेशंस जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर लगे ऑन द बेसिस ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला दोस्तों, एक बीच में एक अपसाइड वापस देखने को मिला इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अब कॉशन सबसे बड़ा जो है वो ये उठ रहा है दोस्तों कि अब इस स्थिति में, इस करंट टाइम के अंदर अडानी के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनका काफ़ी पैसा साफ हो चुका है अडानी स्टॉक्स के अंदर, वो अब क्या करें, या कोई नया निवेशक है जो कि इतने डाउनफॉल के बाद अब क्या करें। इसके ऊपर असल में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक तरीके से एक चुप्पी साध के बैठी हुई है, उसने कुछ खास इसके ऊपर स्टेटमेंट्स नहीं दिए। सेबी जो कि कुछ इंक्वायरीज तो कर रही हैं होंगी अपने पार्ट पे, लेकिन कुछ उसकी तरफ से भी कोई हार्ड, कुछ एक अलग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसके ऊपर से निकल के नहीं आया। इसके साथ ही दोस्तों असल में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी इन्वेस्टर्स के हित को लेके, कि इन्वेस्टर्स के हितों को किस तरीके से सेफ कर सकती है गवर्नमेंट, और इन सब बातों को लेके एक पैनल बनाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने करी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करती है भारत सरकार और कहती है सर हम पैनल में जो मेंबर्स रहेंगे उनके नाम हम एक सीलबंद लिफाफे में आपको देना चाहते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओपनली वो नामों को डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहती, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर उनको मना कर दिया कि हमें पैनल बंद लिफाफे में आपके से नाम नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो था, सुप्रीम कोर्ट में एक और एप्लीकेशन डाली गई और एक कहा गया कि जब तक इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडानी और हिंडनबर्ग केस के ऊपर, जो भी याचिकाएं आई हैं और जो अपील्स की सुनवाई चल रही है, तब तक इसकी मीडिया में कवरेज या रिपोर्टिंग को रोक देना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मीडिया के ऊपर भी एक तरीके से उसमें इस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह के डिस्कशन को बंद करने की बात करी जा रही है, कि जितना जल्दी इस टॉपिक के ऊपर ठंडा पानी डाला जा सके उतना बेहतर हो। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिजिड होके और इसको मना कर दिया, इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि हम मीडिया की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और मीडिया को अपना काम हम करने देंगे, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आप वापस आते हैं अपने वापस मेन पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे आप लोग अडानी और हिंडनबर्ग के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कुछ मैनिपुलेशन इस तरह के जो आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में पेश सामने आए हैं, क्या इस तरह की कुछ बातें वास्तविक तौर पर अडानी के अंदर हैं। अगर दोस्तों नहीं होती, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं होती या फैक्ट नहीं होता इस टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली अडानी अभी तक काफ़ी बड़े लेवल पर और हर तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च को घेर चुके होते, लेकिन उन्होंने अभी तक हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई भी केस दाखिल नहीं करा पूरी दुनिया में कहीं भी। अमेरिका के अंदर भी वो कर सकते थे, अमेरिका में भी उन्होंने कोई केस दाखिल नहीं करा, पहली और आखिरी चीज़। दूसरा पॉइंट, अगर इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं होती तो उनका शेयर एक रुपये भी नीचे नहीं गिरता। इसी के साथ अभी अडानी के कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि 80% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, वैसे कि अडानी टोटल गैस है वो करीब 80% के आसपास गिर चुका है, अडानी ट्रांसमिशन है वो करीब 73% के आसपास करेक्ट हो चुका है। जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया था 80-90% से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, तो इन स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखा जा चुका है अभी दोस्तों। अडानी बिल्मर जो कि तेल और एडिबल ऑयल्स के अंदर डील करती है, वो भी करीब 35% के आसपास वो शेयर भी करेक्ट हो चुका है दोस्तों एक महीने के अंदर। और अभी दोस्तों असल में अडानी पोर्ट्स जो है वो करीब 30% के आसपास उसमें डाउनसाइड देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे इसके स्टॉक्स की भी, अडानी एंटरप्राइजेस भी अपने पीक से अगर आप देखें तो करीब वो 70% के आसपास वो भी स्टॉक डाउनसाइड जो है टेस्ट कर चुका है, उससे भी ज़्यादा टेस्ट कर चुका है, उस बीच में रिकवरी आई थी दोस्तों।
LIC का कुछ 30,000 करोड़ का निवेश है अडानी ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट सभी कंपनीज के अंदर, और अभी वो उसमें उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, काफ़ी करीब 3,000 करोड़ का नुकसान उनको हो रहा है इसके शेयर्स के भाव नीचे जाने के कारण। दोस्तों ये जो भी पोर्टफोलियो है अडानी के अंदर LIC का, वो उनके टोटल पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान और आम लोगों का पैसा जो है LIC कैरी करता है। तो दोस्तों ये कहाँ तक आप सही समझते हैं कि इस तरह के निवेश कहाँ तक सही है, कहाँ तक उसको जजमेंट करा जा सकता है, और इसकी JPC की मांग जो कही जा रही है क्या वो न्यायोचित है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके इस बारे में क्या व्यूज़ है? और मेरे और हमारे विचार हिसाब से, हमारे विचार से, अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क या जोखिम ले सकते हैं, तो कुछ कम मात्रा में डेफिनेटली आप अडानी स्टॉक्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज के अंदर कुछ अच्छे स्टॉक्स को लेके, क्योंकि इनके बिजनेसेस तो दोस्तों देखिए एक हिंदुस्तानी कंपनी है, बिजनेस तो इनके चल रहे हैं, इनके ऊपर डेप्ट है, डेफिनेटली डेप्ट सबको पता है, सारी बड़ी कंपनीज हैं वो डेप्ट इनके ऊपर है, कोई भी कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो है डेप्थ भी है, और इनके बिजनेसेस अभी रन हो रहे हैं, कैश फ्लो इनके पास है, ग्रोथ इनके पास है, बिजनेस इनके पास है, तो इसमें अपना निवेश हम बना के रख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो निवेश बना के बनाया हुआ है उन्होंने, और इस इन भाव के आसपास ही उनका निवेश है, तो इससे नीचे और बेहतर भाव आपको मिल रहे हैं तो इनको आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये हमारी आपको राय रहेगी, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि अभी भी इन स्टॉक्स के अंदर डाउनसाइड बाकी है दोस्तों, तो इसलिए बड़े ही एक थोड़ा जोखिम लेना, और लॉन्ग टर्म सोच जिनकी हो डेफिनेटली वो इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये हमारी राय रहेगी। निवेश करने से पहले किसी अच्छे ब्रोकर या किसी अच्छे आपके इन्वेस्टर्स के साथ आप डिस्कस करके इन स्टॉक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, और इन कंट्रोवर्सीज के बीच जैसा आप कॉल लेना चाहे वो आप कॉल लें, तो आप क्या सोचते हैं अडानी हिंडनबर्ग के केस को लेके, आपकी क्या व्यूज़ हैं इस केस को लेके, आपकी क्या राय है इस केस को लेके, अभी जो सुप्रीम कोर्ट पे चीज़ें डिस्कशन चल रहे हैं, पूरे देश में इसके खिलाफ एक एजिटेशन हो रहा है, एक माहौल बन रहा है, तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? तो आप अपनी कॉमेंट राय जो है, अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट्स करके डेफिनेटली हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस जो हैं हम बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज़ या कुछ डिटेल्ड एनालिसिस जो होते हैं, इस तरह के वीडियोस, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस, हम कुछ वैल्यू क्रिएट करने वाले वीडियोस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों समय समय पर, और हर रोज़ हम कोशिश करेंगे वीडियो हमारा पब्लिश होकर आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस।